लंबे समय से फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करते हुए दिवालिया हो चुकी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के विमान एक बार फिर से उड़ान भरेंगे। अक्टूबर महीने में यूएई के कारोबारी मुरारी लाल जालान और लंदन की कलरॉक कैपिटल ने मिलकर एयरलाइन का अधिग्रहण करने के लिए बोली जीती थी। अब ये दोनों जेट एयरलाइन की उड़ान को जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी में है। जेट एयरवेज को खरीदने वाली कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहता है और NCLT के साथ दूसरी संस्थाओं से मंजूरियां वक्त पर मिल जाती हैं, तो 2021 की गर्मियों में जेट एयरवेज फिर से उड़ान भर सकेगा। बयान में कहा गया है कि नई एयरलाइन शुरू करने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहले घरेलू उड़ान सर्विस शुरू की जाएंगी, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का प्लान है। बता दें, बड़े आर्थिक संकट के चलते जेट एयरवेज 17 अप्रैल 2019 को बंद हो गई थी। उस समय कंपनी के प्रमोटर नरेश गोयल को 500 करोड़ रुपए की जरूरत थी, पर वो उसे जुटा नहीं पाए। बाद में जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने नरेश गोयल को कंपनी के बोर्ड से हटा दिया। इसके बाद जेट एयरलाइन के लिए बोलियां लगाई गईं, जिसमें कारोबारी मुरारी लाल जालान ने इसकी 51% हिस्सेदारी खरीदी। जालान के साथ लंदन की कलरॉक कैपिटल ने इसकी 14% हिस्सेदारी खरीदी। बता दें, मुरारी लाल जालान यूएई के एंटरप्रेन्योर हैं। जालान MG डेवलपर्स कंपनी के मालिक हैं। इनकी रियल स्टेट, माइनिंग, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन, FMCG, ट्रैवल एंड टूरिज्म और इंडस्ट्रियल वर्क्स जैसे सेक्टर्स में रुचि है। जालान ने यूएई, भारत, रशिया और उज्बेकिस्तान समेत कई देशों में निवेश किया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।